नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मृत किसानों के मुआवजे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया है, साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है। तो मृत किसानों के मुआवजे से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार मृत किसानों को लेकर के मुआवजे की मांग कर रहा था और अब लोकसभा में सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दिया है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, यह सरकार का कहना है। लिखित जवाब में सरकार ने यह बात कही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं उठता है। दरअसल आपको यहां पर यह भी बता दें कि लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी। अगर ऐसा है तो इसकी सरकार विस्तृत जानकारी दे, अगर नहीं है तो सरकार इसकी वजह भी बताए। जिसके बाद अब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में जवाब दिया है, साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत परवान चढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर के हमलावर है। इससे पहले किस तरह से किसान आंदोलन के जरिए राजनीति साधने की कोशिश विपक्ष लगातार करता रहा है और साथ ही साथ तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के खूब हंगामा भी देखने को मिला। किसानों का आंदोलन अभी भी लगातार चल रहा है और विपक्ष जब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो उसके बाद इसका श्रेय लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब सरकार ने यह कहा है कि जो मृत किसान हैं उनके परिवारों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके बाद ये साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। और अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि जब आगे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो उस वक्त इन मुद्दों का कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जब सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही थी, पहले सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसके बाद सरकार MSP पर गारंटी कानून बनाने के लिए भी तैयार हो गई है। हालांकि इसको लेकर के अभी बातचीत चलेगी, लंबा प्रोसीजर है। पहले समिति की घोषणा कर दी गई है, संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम भी मांग लिए गए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा वो 5 नाम देगा, लेकिन उससे भी बड़ी खबर इस वक्त की सामने ये आ रही है कि सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।